नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के नीतीश सरकार ने किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है, जिसके तहत ही अब आने वाले समय में वो इलाके जहां के किसान सूखे से परेशान हैं, उन्हें राहत देने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में मॉनसून होने के बावजूद बारिश कम हो रही है, इसके चलते ही किसानों पर काफी बुरा असर भी देखने को मिला है, जिसके बाद ही अब सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सूखे से जूझ रहे किसानों को राहत देने की कोशिश की जाएगी। योजना के अनुसार सरकार किसानों को ये अनुदान फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में किसानों को डीजल अनुदान देने का फैसला लेगी। इस प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए नीतीश कैबिनेट ने आकस्मिकता निधि से कुल 29,95,00,000 रुपए की अग्रिम स्वीकृति दे दी। इसके साथ ही किसानों को प्रति लीटर डीजल पर 60 रुपए अनुदान मिलेगा। वहीं एक एकड़ में सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत के अनुसार कुल 600 रुपए प्रति एकड़ की दर से किसानों को भुगतान किया जाएगा, जिसके बाद अब उम्मीद यही की जा रही है कि बिहार के किसानों को सरकार के इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी, जो अभी बिहार में सूखे की मार का सामना कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के आला अधिकारियों के साथ बैठक करके सूखे की हालत पर होने वाली परेशानियों को लेकर पहले ही प्रशासन को इंतजाम करने का निर्देश दे दिया था। इसके साथ ही बिहार के औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार यानी बियाडा के तहत आने वाले इलाकों की भूमि के औद्योगिक लीज की रेट को भी तय कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बिहार में मॉनसून और अल्पवृष्टि की वजह से सूखे जैसे हालातों के मद्देनजर बीते 2 साल बाद फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान समय की बात करें तो आकस्मिकता निधि के तहत 29.95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जहां पर ही जरूरत पड़ने पर और पैसे का प्रबंध किया जाएगा। इसके साथ ही किसानों को 60 रुपए प्रति लीटर की दर से सब्सिडी देने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही एक एकड़ इलाके में लगी फसल के लिए अधिकतम 10 लीटर डीजल पर अनुदान मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में मॉनसून की बेरुखी के चलते अधिकतर जिलों में बारिश की कमी से सूखे के हालात बन गए हैं। ऐसे में राज्य की नहरें भी सूख गई हैं। वैशाली, जहानाबाद, अरवल समेत कई जिलों की अधिकतर नहरों में धूल उड़ रही है। वहीं कई नहरों में पानी बहुत कम होने से किसानों को सिंचाई का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका असर धान की फसल पर पड़ रहा है। पानी नहीं मिलने से धान की फसल सूख रही है, खेतों में दरारें पड़ गई हैं और कहीं कहीं तो बिचड़े जल गए हैं। बिहार की अधिकतर नहरें सूखे की मार झेल रही है। कई जिलों में नहरों से पानी गायब है, कहीं पानी है तो भी अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पा रहा, जिससे किसान सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार की इस नई पहल से उम्मीद है कि किसानों को फायदा मिलेगा और किसान पानी की समस्या से निजात पा सकेंगे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।